आज हसन और मेरा पहला दिन था ऑफिस में। वाकई? हाँ। आपने कभी ना नहीं सुनी, इसलिए जब भी आपसे कोई इत्तेफाक नहीं करता आपको अपना दुश्मन उसमें नजर आने लग पड़ता है, चाहे वो हकीकत ही क्यों ना हो। हेलो, आ जाओ तुम्हें लेने। दो दिन की डील हुई थी ना। डील करते वक्त कहाँ अंदाजा था कितनी मुश्किल होगी। कैसी मुश्किल? ऐसी वैसी मुश्किल। हर वक्त तुम्हें साथ देखने की आदत हो गई है, तुम नहीं होती तो बहुत मुश्किल होती है। परसों आ जाऊंगी। कल आ जाओ। परसों सीधा ऑफिस आ जाऊंगी, शाम में एक साथ घर चलेंगे। ठीक है, लेकिन तुम नहीं आना, मैं तुम्हें खुद पिक करूंगा। डन। हेलो। हाय। What a pleasant surprise. बैठें प्लीज। आप फोन करके आ जाती? गुजर रही थी मैं यहाँ से तो सोचा आपसे मिलते हुए चली जाऊं। Right. Hold on, one second. Hello? सर मेरे परिवार ने कोई 55,000 जमा करवाया, मुझे समझ नहीं आई किस लिए। What? Yes, sir. Are you sure? जी सर। ठीक, मैं देखता हूँ। थैंक यू। आपने रिसेप्शन पे इतने ज़्यादा पैसे क्यों दिए? आपकी फीस दी है, जितना पहले दिन दिया था उसी को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करके दिया है। एक रुपया भी ज़्यादा नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था मिराल। क्यों नहीं करना चाहिए? बिजनेस इज बिजनेस। आपसे बात करना मेरा बिजनेस नहीं। आपको ये पता है कि मैं बहुत से लोगों को मिलता हूँ, बहुत सी लाइफ स्टोरी सुनता हूँ, लेकिन आज तक किसी कहानी से इतना इमोशनली अटैच नहीं हुआ सिवाय आपकी कहानी के। मुझे आपके सवालों में बहुत से जवाब मिलते हैं। ये देखो ना, ये मैं खास तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। इतना प्यारा रंग है, इसको पहन के बिल्कुल परी लगोगी। परी क्या होता है? हाँ बहुत क्यूट है। मैं जब तुम्हारी औलाद होगी ना तब तो फिर पता चलेगा। अभी मैं ये सारे कपड़े नहीं ले जा सकती, मैं ये ले जाती हूँ और ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा है, बाकी आप पहन लें। मैं पहन लूँ ये? तो और क्या, ये मैं पहन सकती हूँ भला? हाँ ना, इलेक्ट्रिक ब्लू बहुत अच्छा लगेगा। नया एक तो तुम जो हो ना। हेलो, मुझे अभी इसी वक्त तुम्हारी शक्ल देखनी है। अम्मी वो हसन की कॉल। अच्छा बेटा चलो। हेलो, क्या हुआ है? जी 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 बोले। वीडियो कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी? अम्मा के सामने बैठी हुई थी, शर्म आ रही थी। क्या मतलब शर्म आती है? मेरा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, तुम्हारा हस्बैंड हूँ मैं। अच्छा बताएं, क्या ऐसी इमरजेंसी थी कि आप बार बार फोन करें? यार 24 घंटे से तुम्हें देखा नहीं था, आंखों की बैटरी लो हो जाती है। आपकी बातें हुई ना। अच्छा तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? सोचा था तुम खुद आके देखोगी, लेकिन अब इंतजार नहीं हो रहा। बताएं। हाँ
हसन, दिस इज सो ब्यूटीफुल. यू आर ब्यूटीफुल. ये कहाँ से आया? नाइस ना. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या कर रही हैं? कौसर का हैं, खुद क्यों कर रही हैं आप? बेटा वो नाश्ता बना रही है, कोई ऐसा खास काम नहीं है. और तुम इतनी जल्दी तैयार भी हो गए, नाश्ता भी नहीं लगा अभी, मैं लगवाती हूँ. मामा वो अनाया को पिक करना है ना, उसके साथ नाश्ता करके वहीं से ऑफिस. अच्छा बेटा, काम कैसा चल रहा है? मैं तो सारा दिन फारिग बैठा रहता हूँ, बस अनाया कुछ काम करती रहती है. अल्लाह अच्छा करेगा. मैं जाऊँ? देर हो रही है. हाँ बेटा जाओ, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे. माशाल्लाह इतना प्यारा है मेरा बेटा, नजर ही ना लग जाए कहीं. बाय मामा. बाय. बाबा हम जा रहे हैं. अरे बेटे कहाँ जा रहे हो? बस ऑफिस. नाश्ता नहीं करोगे हमारे साथ? इन्होंने बाहर नाश्ता करने का प्लान बनाया. तो बेटा हमने भी हलवा पूरियां मंगवाई थी. हाँ अच्छा मैं मम्मी बताए था आपने. अरे जाने दीजिए ना बच्चों को, कोई बात नहीं. बेटा तुमने तो हमारे साथ नाश्ता. अंकल ऑफिस भी जाना है तो देर हो जाएगी. बाबा प्लीज जाने दें. कब आओगी? जब आप कहेंगे. झूठी. नहीं ओके अम्मी. जीती रहो जीती रहो. बाबा बैठे ना, आप नाश्ता करें. जीती रहो. बेटा छोड़ दे तो आप. हमारा अपना घर है, हम चले जाएंगे. जीते रहो और दोबारा आ जाएंगे है ना. सामने देख के गाड़ी चलाएं, सड़क वहां है. भाई एक बात का फैसला तो आज हो गया. क्या बात? अब तुम्हें मेरे बगैर रहने की इजाजत नहीं मिलेगी. क्यों? मैं तो हर वीकेंड अम्मी से मिलने जाऊंगी. अगर मुझे पता होता कि मेरे दो दिन गायब होने से मेरी इतनी वैल्यू बढ़ जाएगी तो मैं तो हर दो दिन के लिए गायब हो जाती. ना बड़ा जुल्म, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा. हरगिज़ नहीं. सर बताओ नाश्ता कहाँ करें? जहाँ आप कहें. बताओ ना यार. आपका प्लान है, आप बताएं. मैं तो अच्छा वाला घर पे नाश्ता करती अम्मी अब्बू के साथ. तो वापस चलते हैं. चलो यार करते हैं डिसाइड, देखते हैं. हारिस अच्छा बंदा है और उसके बारे में सोचा जा सकता है. सोचते हैं जरूर. तो तुम ब्लश क्यों कर रही हो? आज असली मिराल लग रही है. कम इन. जी मैडम. अभी जाओ यहाँ से. Sorry. I said leave. Okay, madam. क्या हुआ मेरा? खांसी चली गई थी फिर वापस आ गई है. कौन? नाया. और कौन? वो इस वक्त कहाँ से याद आ गई तुम्हें? वो मेरे सामने से गुजरी है हसन के साथ. जानबूझ कर चक्कर लगाती ताकि मुझे गुस्सा है. अच्छा छोड़ो यार, हम हारिस की बात कर रहे थे. अच्छा मुझे ये बताओ कि ऑफिस में किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हो? है एक प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट चल रहा है. और कब स्टार्ट होगा ये? होंगे टेंडर्स अनाउंस परसों. चलो बेस्ट विशेस. कम इन. मुबारक हो सर, NH-13 का कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को मिला. क्या ग्रेट न्यूज, आज तुमने साबित कर दिया है कि तुम मेरे शागिर्द हो. तो मुंह मीठा करना बनता है भाई, मिठाई लाओ यहाँ. जी जी सर. सर ये प्रोजेक्ट क्या हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट था? 50 लोगों को माल खिलाया है फिर जाके हाथ आया ये प्रोजेक्ट. सर सब अच्छा है अगर अंजाम अच्छा है. ये तो बहुत खुशी की बात. खुशी की बात तो हमारे लिए, जिनके हाथ से गया है उनका हाल देखने वाला हो. किनका सर? किसी का नहीं. ठीक है जाओ तुम. ऑलराइट. बात सुनो,
मिठाई का डब्बा दो इधर, आज दिल भर के मुंह मीठा करेंगे, ठीक है जाओ। थैंक यू सर। कुत्ते के मुंह से बोटी छीनी है, चीखो पुकार दूर तक सुनाई देगी। आप लोग सब ऑफिस छक मारने के लिए आते हैं? जब NH 9, 10, 11, 12 हमारी कंपनी ने बनाया तो NH 13 हमारे हाथ से कैसे जा सकता है? किसने लिया ये कॉन्ट्रैक्ट? मैम ईगल कंस्ट्रक्शंस को। प्रोजेक्ट हेड कौन है इनका? यासिर कुरैशी। ये वही यासिर कुरैशी है ना जो कुछ अरसे पहले तक हमारे अंडर काम करता था और करप्शन चार्जेस की वजह से फायर कर दिया गया था? जी मैम। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। मैम मैम आई एम श्योर उसने ये टेंडर भी करप्शन से हासिल किया होगा, वरना हमारी वर्किंग तो बिल्कुल परफेक्ट थी। आई डोंट नीड नो एक्सक्यूजेस। कंपनी का बिलियंस का नुकसान हुआ है, हमारी सारी जिंदगी की तनख्वाह भी मिला दी जाए ना तो नुकसान का 1% भी पूरा नहीं हो सकता। आई एम सॉरी मैम। तुम क्यों सॉरी कर रहे हो? तुम तो नई जनरेशन के टैलेंट से फायदा उठा रहे थे ना। जब निकम्मे काम करेंगे ना तो यही होगा। एक हफ्ते के अंदर मुझे मेरी टेबल पर प्रोजेक्ट रिजेक्ट होने का रीजन नहीं मिला तो तुम में से कोई मुझे अपनी शक्ल में दिखाना। अंडरस्टैंड? यस मैम। जा सकते हो तुम लोग। मैंने सुना है बहुत इंपॉर्टेंट टेंडर रिजेक्ट हो गया। NH 13। तुम तो थी ना मीटिंग में, क्या बात हुई? कुछ खास नहीं, वही ऑफिशियल बात है। हाँ भाई, फिर कहानी कहाँ तक पहुंची? कौन सी कहानी? भाई मिराल की लाश की कहानी। She's much better now. वैसे उनको प्रॉब्लम क्या है? उसकी नानी की डेथ ने उसको काफ़ी डिस्टर्ब किया हुआ था, काफ़ी टाइम गुजर गया। She's much better now. मिराल के लिए आप कोई लड़का देखें ना, अब उसकी शादी हो जानी चाहिए। मिराल वो अपने लिए खुद लड़का देख लेगी। वो बहुत जज्बाती है, वो क्या फैसला करेगी अपने लिए? वो बहुत समझदार है, वो जो भी फैसला करेगी मुझे कबूल होगा। मेरी सिर्फ एक शर्त है। कौन सी शर्त? मिराल शादी के बाद इसी घर में रहेगी। दुनिया की रीत है कि लड़की शादी होके अपने शौहर के घर जाती है। दुनिया अपनी रीत अपने पास रखे, हम नई रीत बनाएंगे। फरीद साहब। मामा, डैड, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। हाँ बेटा आओ बैठो। मैं ऑफिस में फारिग बैठ बैठ कर फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। तो किसने कहा है? काम करो। कैसे काम करूँ? सारा काम आपने मिराल के हवाले कर दिया। बड़ी बहन है तुम्हारी, मिलके काम नहीं कर सकते उसके साथ? मिलके काम करना तो दूर, वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। तो क्या करें? तुमने भी तो उसको हर्ट किया है। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपने ऑफिस के काम के दो हिस्से कर दें, एक मिराल की सुपरविजन में दे दें
और दूसरा हसन की, इसे मिराल ठीक नहीं कर रही। क्या ठीक नहीं कर रही? आपकी बहू तो ठीक कर रही है ना, तभी बिजनेस में बंटवारे की बातें चल रही हैं। मैडम ने रोने रोए होंगे तुम्हारे सामने। अनाया ने मुझसे कुछ नहीं कहा। जानती हूँ अच्छी तरह क्या कहा होगा उसने। एक बात ध्यान से सुन लो, ये बिजनेस कभी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाप का बिजनेस नहीं है, जो हुक्मरानी करना चाहती है वो। उसकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है, तुम अपने दिमाग का इलाज करवा। करवा रही हूँ अपने दिमाग का इलाज, जाती हूँ साइकियाट्रिस्ट के पास। तुम्हारी उस मासूम अनाया की वजह से। खिलौना है ना तुम्हारा, तुम चाबी घुमाती हो और वो नाचता है। Dear Miral, I hope this email finds you in good health and spirits. First of all, I would like to commend you on your courage and resilience, which was strongly evident during the sessions with me. I am happy to have been a part of your journey towards personal growth as your therapist. However, as I have come to appreciate you as a person and not only as a patient, I would prefer to no longer be associated with you as your therapist. It is paramount that your care remains objective and is not influenced by any personal inclinations. Therefore, I would like to refer your case to either of these three highly competent therapists whom I do not have any personal affiliations with. These include Dr. Sarah Sheikh, Dr. Ali Niazi, and Dr. Shahana Khan. I will appraise whichever therapist you pick off the relevant case details. At the same time, I am confident that your progress will continue under his/her care. Be assured that all the thoughts and facts you shared with me during the sessions shall remain confidential. I look forward to meeting you in a personal capacity once you have successfully completed your consultation with your new therapist and are ready to see me as a friend, hopefully in a few months' time. All the best, Dr. Harish Samad. जाएं आप इसको ठीक करें, ठीक है? ओके। रिजवान साहब, आज की मीटिंग के लिए भी मुझे बुलाया नहीं गया, कुछ काम भी नहीं है मेरे पास करने के लिए। क्या करूं? मिस नाया, आप तो जानते हैं, आप सही काम करेंगी तभी पूरे डिपार्टमेंट की बेइज्जती है। आप रहने दें, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एक्सक्यूज मी। घर जाने का मूड नहीं है, लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, डिनर करके फिर वापस। डन, जैसे आपकी मर्जी। कहाँ चले?
एक नया रेस्टोरेंट खुला है, वो चेक करें। इतनी चुप क्यों? मैं चुप तो नहीं हूँ। ऑफिस के एक एम्प्लॉय ने बताया है कि मीटिंग में मिराल ने बदतमीजी की है। हमने डिसाइड किया था ऑफिस की बात ऑफिस में। तुम्हारी स्माइल गायब है, मुझे सच बताओ क्या करिए मिराल? एक तो आप इतनी जल्दी परेशान हो जाते हैं। क्या मतलब है इस बात में? मतलब ये है कि आई हैंडल इट, मैं एडजस्ट कर लूंगी। हर गलत जवाब के खिलाफ तुम आवाज उठाती थी, आज मेरी वजह से एडजस्ट करोगी? बहुत अफसोस हो रहा है। अब ऐसा भी नहीं है, पहले भी हालात के साथ खुद को एडजस्ट करती थी। घर की गली तंग थी, बारिश में पानी खड़ा हो जाता था, एडजस्ट करती थी। बिजली चली जाती थी, यूपीएस नहीं होता था, तब भी एडजस्ट करते थे। यूनिवर्सिटी जाते वक्त गाड़ी ना हो तो बस में बैठने की जगह ना हो तो खड़े होकर, और खड़े होने की जगह भी ना हो तो पैदल मार्च। हमेशा एडजस्ट किया मैंने। बस ऐसे ही बोलती रहो, नहीं बोलती ना, ऐसे लगता है जैसे हर तरफ खामोशी हो गई है। खाना खाए? तुम खाओगी? हाँ। कैसा? नाइस। आप अभी तक क्यों सो रहे हैं? उठने चले। मेरे सर में दर्द है, शायद बुखार है। बुखार? शायद आपको सर्दी लग गई है। मैं भी ऑफिस नहीं जा रही। बीमार मैं हूं, तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ। आपको बुखार है और मैं ऑफिस चली जाऊं? छुट्टी क्यों करूंगा? मेरी तबीयत ठीक हो जाए तो शायद मैं भी आ जाऊं। अरे लेकिन मैं थोड़ी देर से जाऊंगी। ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। NH-13 की नाकामी के बाद मैडम मिराल बहुत गुस्से में है। किसी की भी नौकरी जा सकती है, इसलिए जिससे जितनी बात की जाए वो उतना ही जवाब दें, बिना जरूरत कोई कुछ ना बोले। अंडरस्टूड? यस सर। वेरी गुड। मिस अनाया, आप भी तैयारी कर लें, मैडम मिराल 5 मिनट में आ रही है। रिजवान साहब, मुझे अभी भी लगता है कि मुझे इस मीटिंग का हिस्सा नहीं होना चाहिए। मिस अनाया, देखें, पूरे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को बुलाया मीटिंग के लिए, और आपको तो मिस मिराल के गुस्से का पता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस मीटिंग में जरूर बैठे। बैठ जाएं। NH-13 की रिजेक्शन के बाद
उसूलन तो आप सबको अपने अपने घर होना चाहिए था, मगर किसी एक इंसान की गलती की सजा मैं आप सबको नहीं देना चाहती। कुछ लोग हैं जो हमारी कंपनी पर बोझ हैं, पर क्या करें, बर्दाश्त करेंगे क्यों रिजवान साहब? जी मैम। आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी कि किसी जूनियर के हाथों अब अपनी कंपनी को जलील नहीं करवाएंगे। I'll try my best, ma'am. NH13 के प्रपोजल में कंपनी की तरफ से कोई लूपहोल नहीं था, फिर भी इसके लिए बार बार मुझे ब्लेम किया जा रहा है। जब तक बात करने को ना कहा जाए सब खामोश रहे। ऑन द कॉन्ट्ररी आई थिंक ऑफिस में सबको अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखने की इजाजत होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो इन कुर्सियों पर पपेट्स बिठा दें। पपेट्स ही है आपका ये वक्त खरीदा गया है, लिहाजा अपने जहन और जबान पर काबू रखें। कहाँ जा रही हो, क्या बदतमीजी है? मेरा यहां से चले जाना ही मुनासिब है। तुम यहां एक्सपीरियंस हासिल करने आए हो, पर तुम्हारे ब्लंडर्स की कॉस्ट मेरी कंपनी पे कर रही है। जवाब मैं भी दे सकती हूँ, लेकिन तरबियत बीच में आ जाती है। अब तुम मुझे सिखाओगी तरबियत? हाँ, थप्पड़ मैंने तुम्हें पहले भी लगाया था, अगर उसमें समझ जाती ना तो आज दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती तुम्हें। मिराल कुछ भी कहे तुम अवॉइड करना, कुछ भी हो जाए लड़ाई मत करना। ये मैं मिराल की वजह से नहीं कह रहा, मामा की वजह से कह रहा। आप बेफिक्र हो जाए, मेरी वजह से मामा को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। वालेकुम अस्सलाम जी। तेरा क्या बात है, क्या हुआ है, मुझे कोई बता क्यों नहीं रहा भाई? इससे पूछें क्या किया इसने? तुम्हारी बीवी ने अगर ऑफिस में रहना है तो मेरे ऑर्डर्स के मुताबिक रहना पड़ेगा उसे। हुआ क्या, कुछ बताओगी भी क्या हुआ है? कुछ नहीं, हसन से लड़ाई हुई है। नहीं, मिराल ने कुछ कहा है। मीटिंग में मैं बात कर रही थी तो मिराल ने मेरी बेइज्जती की। जब मैंने पोजीशन क्लियर करने की कोशिश की तो उसने मुझे थप्पड़ मारा। जबान ना चलाती तो थप्पड़ भी नहीं खाती। तुमने अनाया पर हाथ उठाया? अनाया फोन बज रहा है, उठाओ ना बेटा। किसका फोन है? हेलो।
बेटा उसका क्या कसूर है? तुमने खुद ही तो बताया कि वो तो दफ्तर में ही नहीं था जब। उठा लो ना उसको, किस बात की सजा दे रही हो? मुझे किसी से बात नहीं करनी। बुशरा दरवाजा क्यों खुला छोड़ देती हो? तुम्हें पता नहीं है हालात का क्या? बाबा, अरे मेरा बच्चा आया हुआ है। अरे 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 मेरे बुड्ढा, ये रो रही है। ए, नाया शक्ल दिखा, बेटे शक्ल दिखा मुझे। मेरा बच्चा क्या हुआ मेरी गुड़िया को? मिराल ने सबके सामने इसको थप्पड़ मारा है। मेरा बच्चा, बस 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 करो मेरे बच्चे, बस करो मेरे बच्चे। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा। कैसे हो बच्चे? ठीक अंकल, आप ठीक है? आओ अंदर आओ, आराम से बैठ के बात करते हैं। बुशरा चाय बना ले। बेटा तुम हसन के पास बैठो ना, मैं चाय लेके आती हूँ। मैं यहीं ठीक हूँ। तब हसन का कसूर नहीं है, किस बात की सजा दे रही हो तुम? सभी घर में बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। मसला यही है, बात घर में नहीं हुई, ऑफिस में हुई है। दिल छोटा नहीं करते बेटा, जाओ उसके पास जाके बैठो। अम्मी आप मुझे मेरे हाथ पे छोड़ते, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे गुस्सा हराम है, गुस्सा नहीं करते। जो कुछ दिल में है कह दो, खामोश नहीं रहते बेटा। खामोशी ताल्लुक को खा जाती है। जाओ शाबाश, चाय लेके आती हूँ। अरे बेटा हम फरीद भाई और भाभी का तो पूछना ही भूल गए, कैसे हैं वो लोग? ठीक है अंकल। बेटा मुझे दो मिनट के लिए इजाजत देना, मैं भी आया। जी तरफ देखो, स्टॉप स्टॉप क्राइंग। नहीं मुझे बताओ क्या हुआ? मैं कुछ नहीं कहना चाहती। रोना बंद करो।
तुम्हारी बीवी ने अगर ऑफिस में रहना है तो मेरे ऑर्डर्स के मुताबिक रहना पड़ेगा उसे। जबान ना चलाती तो थप्पड़ भी नहीं खाती। मैं मेराल से बहुत अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना चाहती हूँ।